क्या आपके यहाँ प्रीमेच्योर शिशु ने जन्म लिया है या आपके समय से पूर्व बच्चा हुआ है, लो बर्थ वेट है, अंडर वेट है, क्या आपके शिशु को कई दिनों तक NICU में रखा गया है और कई दिनों तक NICU में या नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में रखने के बाद आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह काफ़ी खुशी का समय होता है, लेकिन साथ ही आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी अवश्य होगी, क्योंकि आपका शिशु कई दिनों तक नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई के सुरक्षित माहौल में ट्रेंड डॉक्टर और नर्सेस की टीम के सुपरविज़न के अंदर ट्रीट किया जा रहा था और अब उसे आपको खुद को केयर करनी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में वो तमाम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इस तरह के बच्चे लो बर्थ वेट है, टाइम से पूर्व पैदा हुए हैं और जिनको कई दिनों तक ICU में रखा गया है, उनको डिस्चार्ज करने के बाद घर पे क्या सावधानी बरतनी होती है, किस तरह से इनकी केयर करनी होती है, ये सभी बातें आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। इस तरह के शिशु की देखभाल करने से पहले आपको NICU से डिस्चार्ज होने से पहले ही कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। डिस्चार्ज करने से एक या दो दिन पहले आपके डॉक्टर ने, आपकी मेडिकल टीम ने इसके लिए पूरा केयर प्लान तैयार कर दिया होगा, तो सबसे पहले वो केयर प्लान आप अच्छी तरह से समझ लें। आपके डॉक्टर्स ने आपके शिशु के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको, वो अच्छे से समझ लें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखें। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस है बीबी से रिलेटेड और जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब ऑलरेडी आप समझ लें, डिस्चार्ज समरी वगैरह समझ लें और ऑक्यूपाई कर लें। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, फॉलोअप प्रोटोकॉल। आपके डॉक्टर ने आपके शिशु के लिए एक फॉलोअप प्लान तैयार किया होगा कि किस तरह से बच्चे को फिर से आपको चेकअप करवाना है रेगुलर, किस किस डेट को दिखाना है, आगे किस किस तरह की इसकी जांचें होगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से समझ लें और डेट्स अच्छी तरह से नोट कर लें। आपके शिशु, खासतौर से इस तरह के जो शिशु है, इनका फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इनको कई महीनों तक रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत होती है, कई तरह की जांचें करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आँखों की जांच है, इनके हियरिंग टेस्ट होता है, सोनोग्राफी, MRI टेस्ट वगैरह है, एंड और इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, समय समय पर इसका वेट गेन प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा और इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा, इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप की बहुत ज़रूरत है। और वो हर जो आपको जिस तरह से आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, उस तरह से आपको डेफिनेटली बच्चे को चेक करवाना है। फोर्थ पॉइंट जो डिस्चार्ज करने से पहले आपको देखना है कि आपके डॉक्टर ने आपको CPR ट्रेनिंग दे दी है या नहीं दी। अगर आपको CPR ट्रेनिंग नहीं मिली है तो अपने डॉक्टर से बोलिए और CPR ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। CPR ट्रेनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और इमरजेंसी के समय अनफॉर्चुनेटली कभी आपके बच्चे को कुछ कार्डियक अरेस्ट हो जाता है घर पे, तो उस समय बहुत ही जीवन रक्षक साबित हो सकती है। अगर आपने नहीं लिया तो आप ट्रेनिंग ज़रूर लें। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके आप वहाँ से भी कुछ हद तक इसकी जानकारी ले सकते हैं। प्रीमैच्योर बच्चे डिस्चार्ज करने के बाद भी कुछ महीनों तक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं और उन्हें बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है घर पर। घर के अंदर एक बहुत साफ सुथरा रूम इसके लिए ऑलरेडी आप तैयार करके रखें। रूम न तो बहुत ज़्यादा छोटा हो ना बड़ा हो, कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी अच्छी तरह से हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइटिंग भी प्रॉपर तरीके से हो, बहुत ज़्यादा हार्श और आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती है। रूम की डेली अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए, डेली पोंछा लगना चाहिए इसका फिनाइल से।
रूम के अंदर कोई भी गंदगी मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। जो भी बेडिंग्स है, बेडशीट वगैरह है, शिशु के बच्चे के लिए जो कपड़े वगैरह है, वो डेली आपको अच्छी तरह से साबुन से धो के इसको धूप में सुखा के फिर से इस्तेमाल उसके बाद ही इस्तेमाल करने हैं। हाउसकीपिंग बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है और ये रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए हाउसकीपिंग। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ विजिटर्स, कमरे के अंदर जहाँ तक हो सके आउटसाइड विजिटर्स कम से कम आ सके, इस तरह का प्रोविज़न रखें। हमारे सरकमस्टांसिस में देखा गया है हमारी सोसाइटी के अंदर कि बच्चे को घर पे लाते ही फैमिली के लोग और दूर दराज के रिलेटिव्स वगैरह सब लोग घर पे मिलने के लिए आते हैं, तो वो सब लोग बच्चे को टच करने की कोशिश करेंगे, बच्चे को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि उनको साफ तौर से पहले से ही मना करके रखिए, क्योंकि अभी आपका बच्चा पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, वो अभी भी सेंसिटिव है और बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। इसलिए इस तरह का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि आउटसाइड विजिटर्स का प्रवेश उस कमरे में कम से कम हो। शिशु को भी आप जहाँ तक हो सके कुछ दिनों तक कमरे के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट रखें, बहुत ज़्यादा बाहर की विजिट वगैरह या इधर उधर नहीं लेके जाएं इसको, क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर इसके लिए इतना अभी तक बाहर के एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज वगैरह काफ़ी होते हैं जिसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको जो भी बच्चे के केयर टेकर है, मदर, फादर, दादा, दादी, नाना, नानी, उनको डेली की डेली बच्चे को जितनी बार हो सके बार बार बच्चे खुद का हैंड वॉश करना है और बच्चे को मिनिमम हैंडलिंग करनी है। अगर हैंडलिंग करनी है, हैंडलिंग करने से पहले, बच्चे को टच करने से पहले हैंड वॉश करें साबुन से, या आप हैंड रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैंड रब रखिए और हैंड रब का यूज़ करने के बाद ही बच्चे को टच करें। बच्चे को KMC वगैरह देनी है, फीड कराना है, डायपर चेंज करनी है, उससे पहले आप हैंड रब का यूज़ करें। और ये बहुत छोटा सा स्टेप है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आप लगभग बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इसको बच्चे का सेव कर सकते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके अलावा घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, किसी बच्चे को जुकाम सर्दी या किसी अन्य व्यक्ति को जुकाम सर्दी या कुछ और वायरल इलनेस है, तो वो बिल्कुल भी ये आप कोशिश करें कि उस कमरे में प्रवेश नहीं करें, बच्चे के पास नहीं जाए, बच्चे को टच नहीं करें। फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन का मतलब है कि रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बच्चे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो रूम का टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना चाहिए, चाहे से बाहर कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, बाहर सर्दी हो चाहे से काफ़ी गर्मी हो। सर्दियों में अगर बाहर ज़्यादा सर्दी है तो आपको हीटर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको AC या कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, उससे आपको रूम को ठंडा रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा, ये प्रीमैच्योर बच्चे, लो बर्थ वेट बच्चे अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत ज़्यादा सर्दी या टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता ही इनका टेम्परेचर इतना एडजस्ट नहीं कर पाते, या ठंड सर्दी के मौसम में ठंडे हो जाते हैं और गर्मी के मौसम में ओवरहीट हो जाते हैं। दोनों कंडीशंस नुकसानदेह हो सकती है, बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो टेम्परेचर का ज़रूर से ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में आपको बच्चे को एक्स्ट्रा कपड़े पहनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आप लेयर्ड क्लॉथिंग्स का इस्तेमाल करें, बच्चे को एक से ज़्यादा लेयर्स कपड़े के अंदर रखिए इसको, और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप इसको। गर्मियों के अंदर नॉर्मल सिंपल कपड़ा आप सिंगल क्लॉथिंग यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लेयर। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में, या कैसे आप जज करेंगे कि बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है या बच्चा ठंडा तो नहीं हो रहा, इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, बच्चे के सोल्स चेक करने हैं, तलवे चेक करने हैं, और बच्चे का चेस्ट पार्ट या एब्डोमेन पार्ट आपको चेक करना है फ्रिक्वेंट इंटरवल पे। अगर बच्चे के तलवे ठंडे हैं और नीलापन हो रहा है तो इसका मतलब बच्चा ठंडा होना शुरू हो गया और आपको एक लेयर बढ़ानी है बच्चे के लिए। और अगर बच्चे के सोल्स गर्म हैं और चेस्ट पार्ट आप चेक करते हो और वो भी थोड़ा फ्लशिंग हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो
इसका साथ के साथ बच्चे के स्वेटिंग हो रही है, तो इसका मतलब बच्चा ओवरहीट होना शुरू हो गया है और आप तुरंत एक लेयर कम कर दें बच्चे के ऊपर से। तो इस तरह से आप बच्चे का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। विंटर्स के अंदर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखिए, हेड पार्ट है बच्चे का, हेड है वो कैप से ज़रूर कवर करके रखें, क्योंकि हेड से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। सर्दियों में बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें कि भारी भरकम कंबल से कवर करके नहीं रखें इसको, हल्की कंबल होनी चाहिए और वो भी आप बच्चे को पूरी तरह से कवर करके नहीं रखें, उसका चेहरा खुला रहना चाहिए, सर पे कैप रहनी चाहिए, चेहरा आप खुला रखना चाहिए। भारी भरकम कंबल अगर आप कवर कर देंगे पूरा मुंह से, तो उससे कई बार बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे को पूरी तरह से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते और कई बार अनफॉर्चुनेटली बच्चे सडन डेथ का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्दियों के अंदर। एक चीज़ और ख़ास तौर से ध्यान रखनी है कि आप हीटर का डेफिनेटली आपको कई बार यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ओवरहीटिंग, बच्चा कई बार बहुत ओवरहीट हो जाता है, तो वो आपको मैंने आपको तरीका बताया, वो आप चेक करते रहिए, बच्चा ओवरहीट भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं रूम में तो ह्यूमिडिफायर का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बहुत एक्सेसिव लगातार हीटर के यूज़ करने से बच्चे के स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, ड्राइनेस हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, स्लीपिंग, गुड स्लीपिंग हैबिट्स। बच्चे को किस तरह से सुलाए, आप सोच रहे होंगे कि सुलाने का तो इसमें क्या इतना प्रिकॉशन रखना है, लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को, शिशु को आप बैक के सहारे ही सुलाना है, कभी भी पेट के बल पे या एक करवट लेटा के नहीं सुलाए। और दूसरी चीज़ है बच्चे को थोड़ा सा अपने से दूर रख के सुलाए, क्योंकि कई बार रात को नींद सोते समय पेरेंट्स का ध्यान नहीं रहता, नींद की वजह से या बहुत ज़्यादा फटीग की वजह से आपका खुद का हाथ है वो बच्चे के ऊपर, चेस्ट के ऊपर जा सकता है, उससे बच्चे को सांस में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बच्चे का पेट थोड़ा सेपरेट होना चाहिए। तीसरी चीज़, स्लीपिंग के टाइम मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा हैवी कंबल या ब्लैंकेट या कपड़े से कवर करके नहीं रखें, फेस हमेशा खुला रखें। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से किया करें तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बचा जा सकता है काफ़ी हद तक। नेक्स्ट पॉइंट, KMC, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर ऑलरेडी आपने, जब आपका शिशु हॉस्पिटल में होगा तो आपके डॉक्टर ने स्टार्ट करवा दिया होगा और आप कर रहे होंगे ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर, और यही कंगारू मदर केयर आपको घर पे कंटिन्यू करनी है, ना सिर्फ कंटिन्यू करनी है बल्कि इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है और इससे आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत बहुत ही अच्छा होता है, उसका वेट गेन भी बहुत फास्ट होता है, प्रॉपर होता है, आपकी मदर से और बीबी की बॉन्डिंग है आपस में बहुत अच्छे से बढ़ती है, एंड तो बच्चे का जो फ्यूचर न्यूरो डेवलपमेंट होता है वो भी इससे बहुत बहुत ही बेटर और इम्प्रूव होता है। कंगारू मदर केयर इस तरह के प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करती है और ये आपको कंटिन्यू बढ़ाते रहना है। दूसरी चीज़, कंगारू मदर केयर ना सिर्फ मदर कर सकती है बल्कि बच्चे के फादर भी कर सकते हैं, घर का कोई भी बड़ा सदस्य है, उसके दादा दादी नाना नानी कोई भी कर सकता है, और इसकी आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाए और इसका ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाए। सिक्स्थ पॉइंट, फीडिंग। बच्चे को वैसे तो आपके डॉक्टर ने, आपके मेडिकल टीम ने प्रॉपर तरीके से बता दिया होगा किस तरह से कौन सा फीड करवाना है, किस तरह से कितनी फ्रिक्वेंसी पे करवाना है। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, जहाँ तक हो सके ब्रेस्ट मिल्क ही यूज़ करना है बच्चे को फीड कराने के लिए। डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा कर पा रहा है तो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करवाए, अदरवाइज़ आप एक्सप्रेस करवा के भी और सूती या चम्मच से स्पून से फीड करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट मिल्क या सीक्रेट नहीं हो रहा है, दूध नहीं आ रहा है मदर की, तो आपको फॉर्मूला फीड देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है कि फॉर्मूला फीड एकदम हाइजेनिक तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, अदरवाइज़ इससे भी आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने का काफ़ी खतरा रहता है।
फॉर्मूला फीड कैसे हाइजेनिक तरीके से तैयार करते हैं इसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है एक, और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके पूरा विस्तार से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, फीडिंग कराने के बाद बच्चे को अच्छी तरीके से बर्पिंग करवाएं आप। बच्चे को कंधे पे रख के या हल्का सा बैठा के उसके पीठ पे थपथपाना होता है हाथ से लगभग एक दो मिनट तक, और प्रॉपर तरीके से इसको बर्पिंग करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है बच्चे में और बच्चा एस्पिरेट भी कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो हाइजेनिक तरीके से तैयार करें आप फीड इसको, और इसको फीड कराने के बाद शिशु को बर्पिंग जरूर से करो। सेवन्थ पॉइंट, बाथिंग। बच्चे को या इस तरह के छोटे बच्चे को पेरेंट्स को बहुत ही डर होता है कि किस तरह से इनको क्लीन करना, साफ करना, नहलाना है, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के जो रिकमेंडेशंस है वो ये कहती है कि शिशु की जब तक कॉर्ड फॉल नहीं हो जाती, गिर नहीं जाती, जब तक आप शिशु को ट्रेडिशनल बाथ नहीं देनी चाहिए, इसको स्पंजिंग करनी चाहिए। इसके अलावा आप स्पंजिंग करने के अलावा एक लेटेस्ट जो बाथिंग टेक्निक है वो है स्वेडलिंग बाथ, आप वो भी घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए भी डिटेल में इसके तरीके कैसे स्वेडलिंग बाथ दी जाती है इसके लिए हम लोग एक वीडियो तैयार करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से की जाती है। बच्चे को शुरू में स्पंज बाथ या स्वेडलिंग बाथ देनी चाहिए, और डेली देने की ज़रूरत नहीं है, वीक में दो या तीन बार सफिशियंट होता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि बच्चे को डेली आप स्पंज बाथ दें या बच्चे को स्वेडलिंग बाथ दें इसको, अगर आप पर यह है कि ये इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के शिशु के जो जहाँ जो ससेप्टेबल जगह है जैसे कि फेस है और गर्दन का एरिया और डाइपर एरिया, वो आप रेगुलर इंटरवल पे क्लीन करते रहिए। जैसे डाइपर चेंज करते टाइम आप इसको वेट वाइप से इसको क्लीन करते रहिए, तो इसको इतना फ्रिक्वेंटली बाथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीक में एक या दो बार सफिशियंट है। बाथिंग करने के लिए, बाथिंग करते टाइम जो प्रिकॉशन रखने हैं आपको, कि बच्चे का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के मौसम में खासतौर से बच्चे का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई डेंजर साइंस। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इनमें से अगर कुछ भी लक्षण आपको बच्चे में केयर करते टाइम लगे तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी है, कंसल्ट करना है या हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर आपके शिशु के अंदर आपको नीलापन दिखाई दे रहा है, शिशु का सांस या तो बहुत तेज़ी से चल रहा है या बहुत धीरे पड़ गया, रुक रुक के आ रहा है, या शिशु बहुत लगातार इनकंसोलेबल क्राइंग कर रहा है कई घंटों से, प्रॉपर तरीके से फीड नहीं कर रहा है, फीड कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी कई घंटों से, या शिशु के पेट के अंदर बहुत ज़्यादा आफरा आ गया है और उल्टियाँ करने लग गया है, शिशु वॉमिटिंग कर रहा है कंटिन्यू लगातार, शिशु को फिट्स आने लग गए हैं, दौरे पड़ने जैसी शिकायत है, आंखें ऊपर करने लग गया है, या शिशु बेहोशी की हालत में है, कोई रिएक्शन नहीं है, बस शिशु की एक्टिविटी एकदम पुअर हो गई है, तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको लगे तो तुरंत शिशु को चिकित्सक के पास लेके जाए, बिल्कुल भी देर नहीं करे, क्योंकि ये किसी खतरनाक बीमारी का, खतरनाक डिजीज़ की निशानी हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज केयर फॉर योरसेल्फ। शिशु निश्चित रूप से इस तरह के जो प्रीमैच्योर शिशु है इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी होती है पेरेंट्स को, घर के सभी मेंबर्स को, ख़ास तौर से मदर और फादर को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद पेरेंट्स अपने हेल्थ का ध्यान रखें, प्रॉपर डाइट लें समय पे, प्रॉपर तरीके से स्लीप भी ज़रूरी है, और चूँकि शिशु के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है तो आप घर के बाकी काम अवॉइड करें, किसी और मेंबर की हेल्प करें, उनके ऑफर को एक्सेप्ट करें, और अपना मेंटल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग रखें, कुछ योगा वगैरह, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज वगैरह ये रेगुलर इंटरवल पे करें,
ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, फिजिकली रूप से भी स्वस्थ रहे। और मदर एंड फादर अगर दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी वो अपने बच्चे की, अपने शिशु की देखभाल कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वयं का ध्यान रखें, अपनी खुद की भी केयर करें। और इस तरह से आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके शिशु की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।